नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षाविदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। नमस्कार, मैं नीरज भारद्वाज, HK पब्लिक स्कूल, हरकेश नगर, तलपत, फरीदाबाद से। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मैनेजमेंट का, स्कूल का और पेरेंट्स का, तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर तीनों एक साथ मिलकर के अगर बच्चे को देखेंगे तभी बच्चे की शिक्षा पे सुधार हो सकता है। देखिए, इसमें हम देखें तो तीनों का अपना अपना रोल है। समाज से बच्चा सीखता है, स्कूल जो है वो नॉलेज देता है और पेरेंट्स बच्चे को गाइडलाइन देते हैं। अगर तीनों अपना अपना सहयोग देंगे तभी इसमें योगदान होगा। पाठ्यक्रम में लाने के लिए तो एजुकेशन सिस्टम है, वही लाएगा। लेकिन अगर हम कहें तो बच्चे को अच्छे और बुरे की पहचान सिखानी चाहिए, गुड टच, बैड टच, हमारे पेरेंट्स जो है उनके बारे में बतानी चाहिए, कौन हमारे क्लोज आ सकता है, कितना क्लोज आ सकता है, उस बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम में अगर करना चाहिए तो अराउंड 3rd या 5th क्लास से स्टार्टिंग करनी चाहिए, जो बच्चे की एक थोड़ी सी मेंटेलिटी बढ़ जाती है उसमें। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।